बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की बात करें तो यूं साल में 6 फिल्में करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, लेकिन पता नहीं कि कौन सी सिनेमा उनकी किस्मत का ताला खोल जाए। अब ऐसा ही कुछ हुआ है मिशन रानीगंज के साथ, जिनसे दर्शकों ने थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया जा सकता है कभी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज ने 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। सत्य घटना से प्रेरित इस फिल्म को समीक्षकों की खूब वाहवाही मिली। थिएटर से फिल्म देखकर निकले वह भी इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ हालांकि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की वजह से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी धीमी रफ्तार से कमाई कर रही है। अब हाल ही में अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिशन रानीगंज के मेकर अक्षय कुमार की फिल्म को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑस्कर के लिए लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिशन रानीगंज को लेकर सोशल मीडिया से लेकर कंट्रोवर्सी अभी इतनी तेज है कि हर तरफ मिशन रानीगंज को लेकर चर्चा किया जा रहा है और एक ही बात कहा जा रहा है कि उम्मीद नहीं थी कि मिशन रानीगंज को भी कभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। मिशन रानीगंज की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। रानीगंज कोयला खदान से 65 मजदूरों को जसवंत सिंह गिल ने कैसे रेस्क्यू किया था, इस सच्चे हीरो की कहानी को अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के जरिए दर्शकों को दिखाया है। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक इस फिल्म को ऑस्कर एकेडमी मिशन रानीगंज को इस फिल्म के मेकर्स साबित करेंगे और साथ ही साथ इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्होंने RRR के मेकर्स की तरह ही मिशन रानीगंज को इंडिपेंडेंट ऑस्कर अवार्ड के लिए सबमिट करने का फैसला किया है। बता दें, ऑस्कर अवार्ड के लिए देश की ऑफिशियली एंट्री मलयालम फिल्म 2018 है, जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले ही की गई है। इस फिल्म की कहानी केरल में आई बाट पर आधारित है। ऑस्कर में 2018 इंटरनेशनल फीचर फिल्म में कैटेगरी में कॉम्पीट करेगी। साथ ही साथ 2022 में SS राजामौली अपनी फिल्म RRR को ऑस्कर लेकर गए थे, जिसे बेस्ट सॉन्ग्स कैटेगरी में जीत हासिल हुई थी। फिल्म के नाटो नाटू गाने ने ऑस्कर अपने नाम किया। वहीं ऑफिशियल एंट्री के तौर पर गुजराती फिल्म छोले सो को भेजा गया था, जो इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी से ऑस्कर की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई थी। और शॉर्ट लिस्ट में शामिल होने के बाद इन सभी फिल्मों को एक साथ पेश किया गया था। ऑस्कर अवार्ड का हर साल फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अगले साल 96वां एकेडमी अवार्ड्स 10 मार्च 2024 को लॉस एंजेलिस में होंगे। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में इस अवार्ड शो को प्रमोट किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित अवार्ड लिस्ट में नॉमिनेशन में किस किस हॉलीवुड और इंडियन फिल्म में अपनी जगह बनाई है, इस घोषणा को 23 जनवरी को होगी और 23 जनवरी को उन सभी फिल्मों का नाम सामने आ जाएगा जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि बॉलीवुड में और वो भी मिशन रानीगंज को ऑस्कर अवार्ड मिलना। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भी ऐसे अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड की दुनिया को और फैक्ट खबर को। धन्यवाद।